मैं ये चाहता हूँ आदरणीय अशोक जी, उनकी जो अंतिम कविता उन्होंने लिखी थी, अरे वो प्रतिलिपि हाँ, आपके पास है ये तो मेरे लिए सबसे भारी काम था प्रवीण के माध्यम से उनकी कुछ पंक्तियां भी पहुंच जाएं लोगों तक। मेरे लिए सबसे भारी काम था कि आदरणीय आदित्य जी का पार्थिव शरीर तो हमने विमान से भिजवा दिया, उनका सामान जो रह गया था प्रवीण वो मुझे लाना पड़ा। मैंने इस 40 बरस में कितनी बार उनकी अटैची उठाई है मुझे पता नहीं, तो हर बार आनंदित हुआ हूँ अपने चचा की अटैची उठाने में, लेकिन इस बार जो अटैची उठा के लाया, वो बैग उठा के लाया, ये मेरे लिए संसार का सबसे भारी बोझ लगा। और उसमें उनका पास है कि नहीं इसलिए मैंने देखा, क्योंकि पास रेलवे का जरा महत्वपूर्ण होता है, पास अगली जेब में रखा था। उसी पास के पास में ये उनकी सद्य लिखी हुई कविता थी, जो जिसके छंद वो रेल में भी लिख रहे थे। अभी तक मैं अपने आप को इस योग्य नहीं बना पाया हूँ कि इन पर्चियों में जो एक एक लाइन लिखी हुई है उनको जोड़ के कर सकूं, लेकिन ये विरासत द्वारा प्राप्त हुई है। इस छंद को मैं अपनी नई पीढ़ी के बालकों को देना चाहूँगा, ओरिजिनल अपने पास रख के फोटो का भी दूंगा, लेकिन अभी तात्कालिक उन पर लिखा था, देखो कुर्सी की लड़ाई मेरे देशवासियों, बिन हथियार के हाथ आ पाई मेरे देशवासियों, कोई सैकड़े पार कर गया कोई एक सीट को तरसे, किसी के फसल पे ओले पड़ गए किसी पे अमृत बरसे, मई में ही आ गई जुलाई मेरे देशवासियों। अभी जुलाई नहीं आई, जून में ही वो हमें बिलखता हुआ छोड़ गए। मुस्लिम वोट पासवान ने पाजा फेंका, रेल मंत्री बैठ गया कल्याण सभा का, यदि बेर बिखर गए लेफ्ट फ्रंट के खड़े खड़े खिसी आए, यूपीए के खेमे में अब क्या मुंह लेके जाएं, हमने खुद ही मुंह की खाई मेरे देशवासी। तो ये उनकी अंतिम कविता है जो जीवंत समकालीन राजनीतिक परिदृश्य पर उन्होंने लिखी, लगातार वो लिखते थे। तो हम कामना करें कि आदित्य जी की ये परंपरा आगे विकसित हो और मंच का कवि निराश न हो। नई पीढ़ी से बहुत सारी आशाएं हैं, सद्भाव की, एकता की, समन्वय की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक जी का। जैसा उन्होंने इस कविता के माध्यम से भी संदेश दिया कि आदित्य जी लगातार लिखते थे और निरंतर उनकी कलम चलती रहती थी, उनका ये संदेश हमारे पास है। बेशक वो अपना शरीर छोड़कर चले गए हैं, लेकिन सतमौला कवियों की इस चौपाल के माध्यम से आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम आदरणीय ओम प्रकाश आदित्य जी, भाई नीरज पुरी जी, भाई लाल सिंह गुर्जर जी की स्मृतियों को मन में संजो कर रखेंगे और उनकी कविताओं के माध्यम से, उनकी कविताओं के संदेश के माध्यम से, उनके संदेश की खुशबू पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश करेंगे। सतमौला कवियों की चौपाल की तरफ से तीनों दिवंगत आत्माओं को हार्दिक श्रद्धांजलि और प्रणाम।